नमस्कार, मैं हूं श्वेता मेहता। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए बिहार दंत चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर असफ ने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में 8000 रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक हैं, जिनकी बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि कोरोना महामारी में चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सके। संघ का प्रदेश सचिव होने के नाते बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि आज जो बिहार में जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। इसमें सरकार की नाकामी साफ दिख रही है और हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है बिहार सरकार को। हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए हाई कोर्ट भी कह चुकी है डॉक्टरों की वैकेंसी निकाली जाए। बिहार सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है। वैकेंसी के नाम पर बिहार सरकार और बिहार की जनता को बेवकूफ़ और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले गृह मंत्रालय द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि MBBS आयुष दंत चिकित्सकों को की मदद ली जाएगी, लेकिन जब वैकेंसी आई सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी MBBS के लिए आई। आप अच्छे से जान रहे हैं कि MBBS डॉक्टर आपको पहले नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, वैकेंसी में आ नहीं रहे थे, तो आज कहां से कोरोना काल में आ जाएंगे? आज MBBS डॉक्टर क्यों नहीं टेम्प्रोरी बेसिस पे जो वर्क कर 3 महीने के लिए काम करने क्यों आपके यहाँ आएंगे? वो किसी प्राइवेट संस्था में क्यों नहीं जाएंगे? ऐसी स्थिति में 8000 दंत चिकित्सक रजिस्टर्ड है, आप उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं कोरोना काल में उनको अपनी सेवा के लिए? बिहार में तकरीबन 8000 रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक हैं जो अपनी सेवा देना चाहते हैं इस कोरोना काल में। MBBS से इक्विवेलेंट 80% सिलेबस उनका सेम है MBBS से। आप आयुष को तरजीह देते हैं लेकिन दंत चिकित्सकों को क्यों नहीं? और सरकार से हमारी ये मांग है कि डायरेक्ट परमानेंट बेसिस पर बहाली की जाए डॉक्टरों की, और उसमें दंत चिकित्सकों को भी मौका दिया जाए कि दंत चिकित्सक अपनी सेवा दे सकें। इस कोरोना काल में भी सेवा देने के लिए वो तत्पर हैं और इस तत्पर हैं। उनकी तत्परता को देखते हुए सरकार उस पर ध्यान दे और वैकेंसी दोबारा निकाली जाए, उसमें दंत चिकित्सकों को तरजीह दी जाए और उनको कोरोना काल में सेवा करने का मौका दिया जाए। हम ये मांग करते हैं सरकार से। और ये जो वैकेंसी अभी निकली है उसमें वैकेंसी पूरी तरह से सीट फुल नहीं होगी, ये बात हम भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है इस चीज़ को। और लोगों को गुमराह ना करें, वैकेंसी ऐसी निकालें जिसमें पूरी की पूरी बहाली हो पाए। ऐसी वैकेंसी ना निकालें जिसमें जितनी वैकेंसी हो उतनी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि दंत चिकित्सकों पर ध्यान दिया जाए, उनको सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर अनवर असफ, बिहार दंत चिकित्सा संघ। इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। मैं सहता मेहता, धन्यवाद।